दोस्तों ये बात हम सबको पता है कि चाइना ने दिल खोलकर पाकिस्तान में निवेश किया ताकि चाइना को दुनिया के साथ व्यापार करने के लिए स्टेट ऑफ मलक्का के अलावा पाकिस्तान के जरिए एक अल्टरनेट रूट मिल सके। इसके अलावा चाइना ये भी चाहता था कि पाकिस्तान में भारी निवेश करके वो पाकिस्तान के जरिए इंडिया पर दबाव बनाकर रखेगा, लेकिन अब चाइना की सभी उम्मीदों पर पानी फिर चुका है क्योंकि चाइना ने एक ऐसे मुल्क में निवेश करने का सोचा जिसकी रगों में ही बेईमानी और धोखेबाजी छुपी है। आज पाकिस्तान में हालत इतने खराब है कि पाकिस्तान की जनता खाने और दवाइयों जैसी चीजों के लिए भी तरस रही है। यानी फाइनेंशियली टूट चुके पाकिस्तान में आज चाइना के बनाए सभी मेजर प्रोजेक्ट्स बीच में ही लटके हैं। और इसके अलावा चाइना ने जो कर्ज पाकिस्तान को दिए उनको चुकाने के लिए आज पाकिस्तान चाइना से नए कर्ज लेने को मजबूर है। ऐसे में अब चाइना किसी भी तरह के नए कर्ज पाकिस्तान को देने से बच रहा है क्योंकि अब चाइना भी ये बात समझ चुका है कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है।